हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। दोस्तों, मैं ये वीडियो चाइना से बना रहा हूँ, मतलब एग्जैक्टली चाइना के जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से वीडियो बना रहा हूँ। और आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं तो अभी सेफ ही हूँ। यहाँ बहुत सारे इंडियंस है इस यूनिवर्सिटी में, ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है तो हम लोग 18 लोग हैं और पूरे के पूरे सेफ है। लेकिन यहाँ मतलब एग्जैक्टली हो क्या रहा है इसके बारे में, और ये कोरोना वायरस है क्या? अब इंडिया में भी लास्ट जो कंफर्म जो केसेस है तो केरला से जो है तो 2 केसेस कंफर्म हुए, जो लोग वुहान से गए थे। तो इसका जो शुरुआत हुई कोरोना वायरस की, वो हुई थी वुहान प्रोविंस में चाइना के। और लोग बता रहे हैं कि वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ मार्केट है, तो यहाँ पर आप लोगों को तो पता ही होगा कि चाइना में लोग ऑलमोस्ट हर तरह का वाइल्ड लाइफ ये लोग खाते हैं, कि जैसे बैट हो या फिर स्नैक्स, या फिर डिपेंड करता है कि हर प्रोविंस में अलग अलग फूड है। जैसे अपना नॉर्थ इंडिया में अलग है, साउथ इंडिया में अलग है, वहाँ यहाँ पर भी फूड कोई सेम फूड नहीं है। मतलब जो वुहान प्रोविंस है वहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो है तो ज़्यादा खाते हैं लोग, जैसे स्नैक्स हुआ या फिर बैट हुआ। और जो जनरली जो रिसेंट फाइंडिंग है तो उसमें जो तो दो अभी तो इसका कन्फर्म नहीं हुआ है कि यह स्नैक्स से हुआ या बैट से हुआ है, लेकिन आइदर वन ऑफ दिस टू जो है रिस्पॉन्सिबल है ये कोरोना वायरस का। वुहान में जो केस रिपोर्ट हुआ था, वो फर्स्ट केस जो रिपोर्ट हुआ था वो दिसंबर में हुआ था, लेकिन जो चाइनीज अथॉरिटी या फिर उन लोगों ने इतना उसको बड़ा ये नहीं किया कि उनको लगा कि ये जो है तो कंट्रोल्ड होगा या फिर कुछ लिमिटेड केसेस होंगे। लेकिन जैसे जैसे जनवरी फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, ऑलमोस्ट थर्ड वीक में आके, जैसे कि हम लोगों को जो इंस्ट्रक्शन दी गई यहाँ पर, वो ऑलमोस्ट जनवरी 23 के इन लोगों ने कहा कि अब मूवमेंट जो है तो आप लोग बंद कर दो। मतलब अगर नेसेसरी है तभी आप लोग बाहर जाओगे अपने रूम से, अदरवाइज आप लोग बाहर नहीं जाओगे। और जो भी आपका खाना बना है सब, वन टाइम यू गो आउट विथ मास्क, विथ प्रॉपर हैंड ग्लोव्स, विथ प्रॉपर केयर, एंड यू कम बैक, बाय एवरीथिंग एंड कम बैक लाइक स्टे इन रूम। तो हम लोग जो है तो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम वी आर इन द रूम, और बाकी ये लोग मास्क भी प्रोवाइड किए हैं। और जनरल चाइनीज़ का जो है तो चाइनीज़ भी जो है तो चाइना बहुत फास्ट सिटी है, मतलब बहुत फास्ट कंट्री है, यहाँ कोई रुकता नहीं है। लेकिन अब कोरोना वायरस से ऑलमोस्ट लास्ट जो 15 डेज से चाइना में कोई भी मूवमेंट नहीं है, एटलीस्ट जहाँ मैं रह रहा हूँ नानजिंग प्रोविंस जो सिटी है ये जियांगसू प्रोविंस में आता है, और वो नेक्स्ट प्रोविंस है वुहान के। तो ये वुहान की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ जियांगसू प्रोविंस की बात मैं कर रहा हूँ। और ये शांघा या फिर ऑलमोस्ट होल चाइना में जो मूवमेंट जो है ना, इन लोगों ने बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो इसका रीज़न क्या है, इन लोगों ने सब लोग ऐसे स्टॉप क्यों किया है, कि एडवाइजरी इन लोगों ने किया है कि अगर काम है तो ही बाहर निकलो, और ऑलमोस्ट ना ही निकले तो बेस्ट है। तो इन लोगों ने इसका रीज़न ये है कि देखिए, वुहान में जो है तो फर्स्ट केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं तो फर्स्ट जो है तो वो कैरियर होंगे ऑलमोस्ट, अब उसका कोई ये नहीं है अभी तक जो दिख रहा है। तो वुहान में ऑलमोस्ट 10,000 केस अभी तक रिपोर्ट हुए। तो ये लोगों ने अब चाइना का जो स्प्रिंग फेस्टिवल होता है, स्प्रिंग फेस्टिवल मतलब ये है कि इन लोगों का न्यू ईयर होता है, चाइनीज न्यू ईयर जो अमूमन इस साल जो आ रहा है था वो 24 जनवरी को आता है। और चाइना में जो है तो हॉलीडेज बहुत होती है, ये जनवरी के पास ऑलमोस्ट 15 डेज का जो हॉलीडेज होता है। तो ये सीजन में क्या हुआ, वुहान से जो है तो पूरा पब्लिक ऑलमोस्ट जो हॉट जो वार्म प्लेस जो है तो वुहान जो है तो नॉर्थन चाइना में, मतलब साउथर्न भी है सदर्न ही है, लेकिन ये नॉर्थ जो इनका जो चाइना है तो वो ज़्यादा कोल्ड होता है। और वुहान, नानजिंग और शांघाई तक आते आते ये भी उतना ही कोल्ड होता है, अभी यहाँ टेम्परेचर अराउंड 0 तक चलता है। तो लोग पूरा जो मोमेंट करते हैं इस टाइम, ये छुट्टियों के टाइम जो होते हैं, जो वार्मर प्लेस है शिनजिन, उसके बाद गोंगजाओ, ये जो हॉट प्लेस है वहाँ ये लोग जाते हैं विंटर में अभी। तो इसलिए क्या, वो वहाँ से पूरा लोग इधर जा रहा था, और ऑलमोस्ट जिनको पता चला कि आउटब्रेक सिर्फ वुहान में नहीं है, बाद में ये देखा जाए कि हर जगह हर प्रोविंस में इन लोगों को लोग दिखे, अमन जहाँ नानजिंग में भी, जहाँ दूर है काफ़ी लेकिन यहाँ भी डेली 10 रिपोर्ट हो रहे हैं, तो अमन हर जगह ये फैल गया। तो अब ये लोगों ने क्या किया कि वुहान के जितने भी लोग हैं, क्योंकि मेन कैरियर जो थे तो वुहान के थे, तो उन लोगों को तो वो सिटी इस तरह से ब्लॉक है कि वहाँ का एयरपोर्ट भी बंद है, वहाँ का ट्रेन भी बंद है, वहाँ आप जा नहीं सकते और वहाँ से आप आ भी नहीं सकते। इंडियंस जो हमारे फंसे हुए थे ऑलमोस्ट, अभी जो एयर इंडिया ने 2 फ्लाइट जस्ट यस्टरडे इन लोगों ने सबको निकाला है वहाँ से, लेकिन बाकी कंट्रीज के। सो दोस्तों, ये कोरोना वायरस इसके जो सिम्टम्स है वो ये है कि आपको इधर फीवर हो रहा है, या फिर आपको कोल्ड है, या फिर आपका जो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपका
गले में जो खिचखिचाहट या फिर इस तरह से जो ब्रीदिंग आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये इसके सिम्टम्स, मेन सिम्टम्स है। और आपको बीमार हो ऐसा फील होना, ये भी इसका एक सिम्टम्स है। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जितने भी इंडियंस जो एयर इंडिया के प्लेन से गए हैं उनको 14 दिनों तक मनेसर की फैसिलिटी में रखा जाएगा। तो ये 14 दिन क्यों रखा जाएगा? क्योंकि जो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 to 10 days है, यानी कि ऑलमोस्ट 2 weeks है। तो इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या है कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गए और आपको वायरस आपके शरीर में चला गया, यानी कि आप जो तो इन्फेक्ट हो गए, लेकिन इसका जो सिम्टम शो करने के लिए मिनिमम 2 दिन और मैक्सिमम जो है तो अराउंड 10 days रहेगा। तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपके आप बीमार हो या नहीं हो। तो इसके लिए आइदर आपको टेस्ट या फिर आपको जो इनक्यूबेशन, इसलिए आपको जो है तो आइसोलेट 14 दिनों के लिए रखा है। अगर आप उसके बाद आपको कोई फीवर या फिर कुछ नहीं आया तो यू कैन गो होम। इस तरह से ये लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है तो इसका प्रिकॉशंस ले रही है, तो वो अच्छी बात है। और बाकी इंडिया में जो है तो दोस्तों, वैसे तो इसका जो प्रिकॉशंस या फिर इससे बचे कैसे, ये इंडिया में अभी तो उतना सीवियर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ जो ये अमूमन हर जगह जो इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस जो दी है वो ये है कि आप हमेशा मास्क पहन कर रहे, आप अगर बाहर जा रहे हो तो, और आप कहीं भी जा रहे हो तो बार बार अपने हाथ को आपको वॉश करना है। तो ये इसका मेन ये लोगों ने बताया कि आपको हाथ जो है तो वॉश करना है और अवॉइड करना है कि कोई भी पब्लिक प्लेस, क्राउडेड प्लेस। वैसे तो चाइना में कोई भी पब्लिक गैदरिंग या फिर कोई भी ऑफिशियल इवेंट सब इन लोगों ने कैंसिल कर दिया है। तो ये चीज़ें हैं, इसका आपको खास ध्यान रखना होगा। सो दोस्तों, ये था, मैं इसलिए ये वीडियो बनाया कि आपको पता चले कि एग्जैक्ट सिचुएशन चाइना में क्या है। तो हम लोग तो क्या कर सकते हैं, हम लोग बस उनके लिए दुआ कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। जो भी जिस मज़हब को ये फॉलो करता है वो अपने अपने हिसाब से इन लोग ये कर सकते हैं। हम लोग बस इनके लिए दुआ ही कर सकते हैं, बाकी और तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते चाइना के लिए। तो बस थैंक यू दोस्तों। अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में चाइना में जो PhD है वो कैसे होता है, इनका PhD जो है तो उसका एग्जैक्ट मतलब इंडिया का PhD और चाइना का PhD, इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन वाला मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। थैंक यू।